वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो 103 ईस्ट के बारे में है। जैसा कि आपके इलम में है कि सेटेलाइट पे भी फ्री टू एयर बहुत सारे रशियन चैनल ट्यून हो चुके हैं, तो इसी हवाले से आज की वीडियो मैंने बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप LNB की पोजिशन देखें। LNB की पोजिशन आपने बिल्कुल एशिया सेट 7 की तरह रखनी है, और इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो है टेफ्लॉन पट्टी आपने रखनी है, वो कैसे रखनी है वो भी एक जो है पिक्चर में इसी वीडियो के साथ आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप LNB की पोजीशन देखें, इस तरह आपने LNB को लगाना है 103 ईस्ट को ट्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके एरिया के हिसाब से एलिवेशन एंगल है या इस रॉड की लंबाई है जो कि आपने रखनी है। ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फासला जो है 15.4 इंचेस बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। यानी जितना एशिया सेट जो 7 का तकरीबन जो है 15 इंचेस है, इसका 15.3 or 4 वाकेंट के एरिया के लिए बन रहा है। ये निशान मैंने लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यानी इस रॉड को आप तकरीबन 15.3 or 4 इंचेस खोलेंगे, फिर आपको इस सेटेलाइट के सिग्नल मौसूल होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसका सेटिंग मैप दिखाने जा रहा हूं। तो ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, यानी इसका ये साइज पॉइंट पे होगा, तो आपको एशिया सेट 7 के सिग्नल मिलेंगे, और इसको 1 इंच टूवर्ड लेफ्ट आप जो ले कर जाएँगे लेफ्ट साइड पर 1 इंच, तो आपको 103 ईस्ट की DTP के सिग्नल मिलेंगे। ये वाला निशान 105 ईस्ट का है, और डिश को आप थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच इस डायरेक्शन में, ये लेफ़्ट डायरेक्शन मेरी बांध रही है, तो आपको 103 ईस्ट के सिग्नल मिल जाएंगे। ये आपको मैं डिश का बैक व्यू दिखा रहा हूँ, यानी बैक साइड से आप अपनी डिश के स्टैंड को टूवर्ड्स लेफ्ट 1 इंच मूव करेंगे एशिया सेट 7 वाले निशान से, तो आपको 103 इंच की DTP के सिग्नल मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये LNB में तार लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये सेटेलाइट फाइंडर को मैंने पीछे लगाया हुआ है डिश के, तो मैं भी मैं आपको इसकी DTP के सिग्नल को करा देता हूँ, आप देख लें। ये आपकी नज़र के सामने मैंने इसको ऑन कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं 44-46% आ रहे हैं। EZTP भी आप नोट कर लें, इसके ऊपर आपको इजीली इसके सिग्नल रिसीव हो जाएंगे। ये EZTP है, और ये तकरीबन 44% तक इसके सिग्नल स्ट्रेंथ शो हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा तरीक़ाकार इसकी सेटिंग का समझ आ गया होगा। अभी हम TV के पास जाते हैं और देखते हैं कि सेटेलाइट के कितने चैनल हमें रिसीव होते हैं 6 फुट की डिश पे। एक मरतबा आप फिर देख लें इसकी EZTP। तो दोस्तों, ये इसकी EZTP के सिग्नल आप देख सकते हैं, बेहतरीन सिग्नल आए हैं। अभी मैं जो है ट्यूनिंग का प्रोसेस शुरू करता हूँ, और देखते हैं कि कितने चैनल हमें सेटेलाइट के मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 के करीब ही चैनल मुझे मिले हैं। ये स्पोर्ट्स का चैनल है, चैनल 5 के नाम से। इसके बाद ये कोई इंडियन मूवीज़ चैनल दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रशियन मूवीज़ चैनल। नेक्स्ट जो है ये कार्टून चैनल है फ्री टू एयर, और ये मूवीज़ का चैनल है जो 31 ईस्ट पे भी आपको मिलता है, और ये इनका मशहूर चैनल है मूवीज़ का, और ये न्यूज़ का चैनल है। इसके बाद ये भी दो चैनल हैं, ये भी थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर है इनका। तो रात को उम्मीद है कि इनकी जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिल वक्त ये इस तरह ही चल रहे हैं। तो दोस्तों,
तकरीबन जो है 3 TB मुझे मिली हैं इस सेटेलाइट की, और 10 चैनल मुझे मिले हैं। ये मूवीज़ का चैनल आप देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सारे चैनल इस सेटेलाइट के ऊपर फ्री टू एयर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ